हेलो एवरीवन, वी हैव ऑलरेडी डन द हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर कुर्ग. दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया. ओके, एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द सेम चैप्टर. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ कुर्ग. कुर्ग कहाँ पर है? ओके, कुर्ग और कोडागू इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. तो जो कुर्ग या उसका दूसरा नाम क्या है? कोडागू. ओके, तो वो कहाँ पर है? वो कर्नाटका का एक छोटा सा जिला है. इट इज़ सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल, आना चाहिए, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. तो जो मैंगलोर का जो एक तटीय शहर है जो मैसूर के बीच में पड़ता है, वहाँ पर है ये स्थित जो कुर्ग है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल्स डिसेंट? ओके, जो कोडावू लोगों के वंशज हैं उनके बारे में क्या कहानी प्रचलित है? द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक और अरब्स. तो जो ये तेज़ तरार, फायरसली कौन होते हैं? बहुत तेज, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ वाले. ओके, जो तेज तरार आत्मनिर्भर कुर्ग के लोग हैं वो वास्तव में अरब और या फिर यूनानी लोगों के वंशज हैं. ए सेक्शन ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट. एक आर्मी का, अलेक्जेंडर की एक आर्मी का एक छोटा सा टुकड़ा दक्षिण के तट के साथ साथ आगे बढ़ा एंड सेटल हेयर ओनली व्हेन दे वर अनेबल टू रिटर्न टू देयर कंट्री. जब वो वापस अपने देश में जाने में असक्षम हो गए तो वो वहीं बस गए. दीज पीपल मैरिड अमंग द लोकल्स, और इन लोगों ने वहाँ के लोकल लोगों के साथ या स्थानीय लोगों से ही शादियाँ कर ली. एंड दिस इज़ द स्टोरी अबाउट द डिसेंट ऑफ कोडावू पीपल. और ये है जो कोडावू वंश लोगों हैं उनकी कहानी, उनसे संबंधित है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन एग्जाम में भी, सो रिमेंबर इट, इट्स इम्पॉर्टेंट. ये दोनों तरीक़ों से आ जाता है, कई बार दो नंबर के हिसाब से ही सेम क्वेश्चन आता है और कई बार पाँच नंबर के हिसाब से भी आ जाता है. तो आपको स्टोरी को थोड़ा सा उसी हिसाब से वर्ड्स को एक्सटेंड करना है. आपने वर्ड लिमिट को जरूर ध्यान रखना है बोर्ड एग्जाम में. अगर वो मार्क्स 2 का है तो द आंसर विल बी बिटवीन 30 to 50 वर्ड्स. आइदर अगर वो 5 मार्क्स का है तो इट विल बी 80 to 100 वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज थर्ड, वट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नो अबाउट? यहाँ पे यू नाउ नो अबाउट. ओके, तो अब कुर्ग के बारे में आप ऐसी क्या चीज़ें हैं जो जानते हैं? द पीपल ऑफ कुर्ग, कि वहाँ के लोग कैसे हैं. द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, जो कुर्ग की मुख्य फसल है वो क्या है. द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट, और जो वहाँ पे यात्री आते हैं या भ्रमण करने आते हैं उनको क्या स्पोर्ट्स देते हैं या खेल कूद या रोमांच की क्या चीज़ें ये ऑफर करते हैं. द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, या फिर ऐसे कौन से जानवर हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं कुर्ग में देखना या आपको मिलते हैं. तो ये पांचों क्वेश्चंस अलग अलग हिसाब से दिए हुए हैं, लेकिन कई बार इसको इस तरीके से भी दे देते हैं, डिस्क्राइब अबाउट द कुर्ग, डिस्क्राइब द सीनिक ब्यूटी ऑफ द कुर्ग. ओके, तो ये सारे जब ये कलेक्टिव आ जाएगा क्वेश्चन, यानी डिस्क्राइब अबाउट द सीनिक ब्यूटी ऑफ कुर्ग और डिस्क्राइब द कुर्ग, तो तब ये 5 मार्क्स का मिनिमम क्वेश्चन बनेगा. ओके, और ये बहुत बार रिपीट होता है. इसका आंसर जो फर्स्ट है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, द पीपल ऑफ कुर्ग आर फायर्सली इंडिपेंडेंट, बहुत तेज तरार आत्मनिर्भर लोग हैं कुर्ग के. दे आर ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, वो कहाँ के हैं? वो वास्तव में यूनानी या फिर अरब लोगों के वंशज हैं. दे हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, उनके अंदर मेहमान नवाजी की परंपरा है. दे इंजॉय रिकाउंटिंग न्यूमेरियस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स. ओके, वैलर होता है करेज, तो वो अपने पुत्रों या फिर अपने पिताओं की जो बहादुरी की कहानियाँ हैं उनको सुनाने में उनको आनंद आता है या उनको याद करने में उनको आनंद आता है. कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस. कोडावू के लोग ही पूरे भारत में एकमात्र ऐसे लोग हैं जहां पर बिना लाइसेंस के हथियार रखने की परमिशन है. द ऑथर हैज़ डिस्क्राइब द पीपल ऑफ कुर्ग एज
ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन एंड ब्यूटिफुल वेमेन। तो जो लेखक है वो वास्तव में कुरुक के लोगों का वर्णन एक ऐसी प्रजाति के रूप में करता है या ऐसी एक कम्युनिटी के रूप में करता है जहाँ जिस पर घमंड किया जा सके, जिस पर गर्व किया जा सके, मार्शल मैन, क्योंकि वहाँ के जो लोग क्या हैं वो हैं मार्शल मैन, यानी मार्शल आर्ट से निपुण हैं, और वहाँ की औरतें क्या हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। क्रॉप कौन सी होती है वहाँ पर? कॉफ़ी इज़ द मेन क्रॉप ऑफ कुरुक। तो कुरुक की सबसे मुख्य फसल क्या है? कुरुक की मुख्य फसल है कॉफ़ी। द कॉफ़ी स्टेट्स स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। तो मुख्य जो कॉर्नर्स हैं वहाँ के या मुख्य इलाके हैं खेतों के, वहाँ पर कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान हैं। द स्पोर्ट्स, वहाँ पर टूरिस्ट्स को क्या रोमांचक स्पोर्ट्स वगैरह दिए जाते हैं? द स्पोर्ट्स दैट कुरुक ऑफर्स टू टूरिस्ट्स आर रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड ट्रैकिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर अगर आप घूमने जाते हो तो आप इन सब चीज़ों को इंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट है कि वहाँ कौन कौन से जानवर मिलते हैं। ओके, द एनिमल्स दैट वन इज लाइकली टू सी इन कुरुक आर बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, मैस्किस, मैलाबार, स्क्वायर्स, लंगूर्स, लॉरिस एंड वाइल्ड एलिफेंट्स। ओके, ये सारे जानवर जो हैं या पक्षी हैं वो वहाँ देखने को मिलते हैं। डिस्टेंस क्या है वहाँ पर? द डिस्टेंस बिटवीन कुरुक एंड बेंगलोर इज़ अराउंड 260 किलोमीटर। तो बेंगलोर और कुरुक के बीच का डिस्टेंस कितना है? 260 किलोमीटर है। यानी अगर आप बाई एयर जाते हैं तो आपको कुरुक में बेंगलोर उतरना होगा, वहाँ से बाई बस 260 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए कुरुक पहुँचना है। देर आर टू रूट्स टू कुरुक फ्रॉम बेंगलोर एंड बोथ आर ऑफ द सेम डिस्टेंस। बेंगलोर से कुरुक जाने के दो रास्ते हैं और दोनों की दूरी जो है वो तकरीबन समान है। द मोस्ट फ्रीक्वेंटेड रूट इज़ द वन वाया मैसूर। जो सबसे कॉमन रूट है जिसे सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं वो क्या है? मैसूर से होकर जाना। द अदर रूट इज़ वाया नीलामंगल या फिर कुनियंगल। तो ये जो दोनों रास्ते और साथ में क्या है? चिनरायना पटना। तो इन तीनों रास्तों, तीन शहरों से होते हुए आप कुरुक जा सकते हैं या फिर वाया मैसूर से होते हुए कुरुक जा सकते हैं। तो मोस्टली जो लोग हैं वो किसको प्रेफर करते हैं? मैसूर वाले रास्ते को। ओके, विद इट वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर्स। होप यू अंडरस्टैंड इट एंड प्लीज़ स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।